हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप स्ट्रीट फूड्स ऑफ इंडिया। वैसे इंडिया में स्ट्रीट फूड्स की कोई कमी नहीं है और आपको ये हर शहर हर गली में आसानी से मिल जाएगी। इंडिया के कई शहर अपने स्ट्रीट फूड्स के लिए काफी फेमस है और पूरे इंडिया में देखा जाए तो काफी टाइप की वैरायटीज मिल जाएंगी। आज इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ सिलेक्टेड स्ट्रीट फूड्स के बारे में बात करेंगे जो हर किसी के फेवरेट है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पानीपुरी, बात स्ट्रीट फूड की हो तो पहले नंबर पे तो पानीपुरी है। इंडिया में शायद ही ऐसा कोई हो जिसे पानीपुरी ना पसंद हो। ये अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि पानीपुरी, गोलगप्पे, कुचके, गुपचुप, और ये आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगी। वैसे पानीपुरी एक फ्राइड पूरी होती है जो मैदे से बनती है और इसे स्टफ किया जाता है बॉइल्ड बटाना आलू चटनी से और फाइनली सर्व किया जाता है तीखा या मीठी चटनी से। दूसरा जो स्ट्रीट फूड है वो है समोसा। समोसा भी इंडिया में खाया जाने वाला काफी फेमस स्ट्रीट फूड है और ये वर्ल्ड के कई देशों में अलग अलग तरह के फिलिंग्स के साथ बनाए जाते हैं, पर जो सबसे कॉमन फिलिंग है वो है आलू, जो कई तरह के मसालों के साथ मिक्स करके बनाए जाते हैं। तीसरे नंबर पर है वड़ा पाव, जिसकी शुरुआत मुंबई में हुई थी और आज ये पूरे इंडिया में फेमस है और महाराष्ट्र में खाया जाने वाला सबसे फेवरेट स्नैक है। इंडिया में चाहे कितने भी बर्गर जॉइंट आ जाए लेकिन वड़ा पाव का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। फोर्थ नंबर पर जो स्ट्रीट फूड है वो है दाबेली, जिसकी शुरुआत गुजरात के कच्छ में हुई थी। बॉइल आलू और दाबेली मसाले के साथ बनाया जाने वाला ये स्नैक भी इंडिया में काफी फेमस है। पांचवे नंबर पर हमारा जो डिश है वो है आलू टिक्की। आलू की टिक्की मसालों में मिक्स करके इसे खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व किया जाता है और मुंबई में इसे थोड़ा अलग स्टाइल से बनाकर रगड़ा पैटिस के नाम से जाना जाता है। छठवें नंबर पर है मोमोज। वैसे इसकी शुरुआत नेपाल, तिब्बत और हमारे ईस्ट इंडिया से हुई है, पर अब ये पूरे इंडिया में काफी पसंद किया जाने वाला डिश है। शुरुआत दिनों में मोमोज आपको सिर्फ स्टीम्ड बनाए हुए मिलते थे, पर अब आपको ये कई अलग अलग फिलिंग्स के साथ फ्राइड किए हुए भी मिलते हैं। सातवें नंबर पर है सैंडविच। फ्राइड स्नैक्स खाकर अगर आपका मन भर गया हो तो सबसे अच्छा ऑप्शन है सैंडविच। ब्रेड स्लाइस से बनाया जाने वाला ये स्नैक लोगों को काफी पसंद आता है। स्कूल से लेकर ऑफिस की टिफिन तक सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो स्नैक है वो है सैंडविच। वैसे हर लोग अपने हिसाब से सैंडविच खाना पसंद करते हैं। किसी को वेज सैंडविच पसंद है तो कोई चीज स्लाइस या नॉन वेज के साथ खाना पसंद करता है। हमारे लिस्ट में जो अगला स्नैक है वो है डोसा। साउथ इंडिया से आई हुई ये डिश सबके दिलों में अपनी जगह बना चुकी है और किसी भी होटल में मिलने वाली काफी कॉमन डिश है। सादा डोसा से लेकर मसाला डोसा तक आपको ये कई वैरायटीज में मिल जाएंगे, जिसे आप चटनी या सांबर के साथ खा सकते हैं। हमारी लिस्ट में जो अगला नाम है वो है भेल। अगर आपका मन हैवी नाश्ता करके भर गया हो तो भेल काफी अच्छा ऑप्शन है। कुरमुरे और कई तरह के फरसान मिक्स करके बना हुआ ये भेल लोगों को काफी पसंद आता है और कई जगह तो ये चौपाटी पर मिलने वाला सबका फेवरेट स्नैक भी है। दसवें नंबर पर है काठी रोल्स। कोलकाता से आई हुई ये काठी रोल्स आज इंडिया के कई शहरों में आपको मिल जाएंगे और कई वैरायटीज में भी। ओरिजिनली काठी रोल्स को बनाया जाता था पराठे में सॉस और चटनी लगाकर उसे रोल करके उसमें अंडे और चिकन की फिलिंग्स भर के, और आज ये कई तरह के अलग अलग फिलिंग्स के साथ आपको मिल जाएंगी। हमारी जो अगली डिश है वो है पाव भाजी। महाराष्ट्र से आई हुई ये डिश भी हर किसी की फेवरेट है। उबले हुए आलू, टमाटर, शिमला मिर्च और कई दूसरी भाजियों के साथ बना हुआ ये थिक ग्रेवी बटर लगे हुए पाव के साथ खाने का मजा ही कुछ और है। बारहवें नंबर पर है मिसल पाव। महाराष्ट्र से आई हुई ये एक और डिश है मिसल पाव। तीखी मिसल की ग्रेवी को कई प्रकार के चिवड़ा, सेव, धनिया डालकर पाव के साथ खाई जाने वाली ये डिश काफी फेमस है। 13 नंबर पर है इडली वड़ा। साउथ इंडिया से आई हुई ये डिश लोगों के पसंदीदा ब्रेकफास्ट में से एक है।
इडली और मेदू वड़ा सांबर या नारियल के चटनी के साथ हर किसी को पसंद आती है। हमारे लिस्ट में जो अगला नाम है वो है भजिया, और बरसात के दिनों का सबसे फेवरेट स्नैक। आलू, कांदा, मिर्ची का बना हुआ ये भजिया आपको हर जगह आसानी से मिल जाएगी, और ये स्नैक इंडिया के लोगों की काफी फेवरेट है। हमारे लिस्ट में जो आखिरी स्नैक है वो है पोहा। ब्रेकफास्ट में खाई जाने वाली ये डिश भी लोगों की काफी पसंदीदा है। इंडिया के कई शहरों में ये पोहा अलग अलग स्टाइल में बनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको हम अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस पे लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।